हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। जैसा कि ट्रेडर्स प्रीवियस डे हमने डिस्कस किया था, गोल्ड में एक बहुत अच्छा हमें सेटअप दिखाई दे रहा है। क्या सेटअप बन रहा था और मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है और आज गोल्ड में क्या सेटअप बन रहा है, आज हम गोल्ड में कैसे एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, कहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस मार कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ट्रेडर्स। चलिए सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे गोल्ड में क्या सेटअप हमें दिखाई दे रहा था। ट्रेडर्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन को मार किया था। प्रीवियस डे मार्केट ने इस सपोर्ट को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। देखिएगा, यहाँ पे प्रीवियस टाइम इस लेवल को मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया था। ट्रेडर्स, ये रेसिस्टेंस जोन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रेसिस्टेंस है। यहाँ पे देखिएगा, ये रेसिस्टेंस लेने के बाद रिजेक्शन आया, इसके बाद मार्केट इस लेवल के आसपास जब ब्रेकआउट किया, देखिएगा ये रेसिस्टेंस था ना, ब्रेकआउट किया, इसके बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम, जब प्राइस इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी ना ट्रेडर्स, इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी, उस टाइम पे हमारा व्यू था कि सपोर्ट के आसपास प्राइस बहुत आसानी के से हमें देखने को मिल सकती है। देखो, जैसे ही मैं सपोर्ट को आगे के लिए एक्सटेंड करता हूं तो आप अच्छे से देख पाएंगे, प्राइस ने इसी लेवल को बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद ही देखो यहां से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया है। ये जो सपोर्ट हमने मार किया था, ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, यहां पे हमने देखा पहला ये एक सपोर्ट है, सेकंड यहां अगर हम एक ट्रेंड लाइन को मार करते हैं तो ट्रेंड लाइन हमने मार किया था, फर्स्ट स्विंग लो सेकंड स्विंग लो को ऐड किया और इसी ट्रेंड लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब देखो दोस्तों, यहां पे क्या हो रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ये था हमारा सेकंड रीजन। थर्ड रीजन, यहां पे हमने FIB रिट्रेसमेंट को मार किया था, फिबोनाची को, फिबोनाची को लो से हाई के लिए मार किया और यहां हमने देखा बहुत अच्छा ये एक 0.5% का रिट्रेसमेंट लेवल है। जैसे ही हम लो टू हाई फिबो को मार करते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, 0.5% का रिट्रेसमेंट लेवल एंड 0.618% का रिट्रेसमेंट हमारे सपोर्ट पर ही निकल के आ रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, काफी अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल है। मार्केट इस लेवल को मैक्सिमम टाइम रिटेस्ट करती है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने सपोर्ट मार किया, मार्केट ने इसी लेवल को सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। यहाँ पे अगर देखा जाए ऑलमोस्ट 120 पिप्स का मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दिखाया है। मैंने आपके साथ इस इमेज को टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख पाएंगे जब मार्केट इस लेवल के आसपास, देखिए रेसिस्टेंस लेने के बाद रिजेक्शन कर रही थी, उस टाइम पे यहाँ हमने एनालाइज किया था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट इस लेवल को सपोर्ट लेने आ सकती है। और देखो, मार्केट सपोर्ट लेने आई और सपोर्ट लेने के बाद यहां से बुलिशनेस शो कर सकती है और यहां से बुलिशनेस भी शो किया। सो आई होप ट्रेडर्स, आपने भी कल के दिन इस सपोर्ट को मार किया होगा। जब मार्केट सपोर्ट के आसपास आ गई थी ना ट्रेडर्स, सपोर्ट ले रही थी, उस टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट ने इस लेवल को प्रीवियस टाइम बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, ये भी मैंने आपके साथ इमेज टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था। जो भी हमारा डेली बेसिस का एनालिसिस होता है ना ट्रेडर्स, मैं आपके साथ डेली टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं, ताकि आप भी इस तरीके से अपना खुद से एनालाइज कर पाएं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ ट्रेडर्स, हमारा सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं आपको डेली चार्ट एनालिसिस इमेज शेयर करता रहता हूँ, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने कोई दूसरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है जिसमें कोई आपको कॉल या टिप्स प्रोवाइड करता है, तो वो एक फेक टेलीग्राम चैनल है, तुरंत रिमूव हो जाइए। हमारा इसके अलावा कोई दूसरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ। चलिए, आज गोल्ड में क्या सेटअप बन रहा है ट्रेडर्स और आज गोल्ड कहाँ ट्रेड कर सकती है, डिटेल में समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एक घंटे के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रीवियस काफी टाइम से हम प्रीवियस वीक से इस रेसिस्टेंस को हम मार्क करते चले आ रहे हैं, तो ये आज भी रेसिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस टाइम देखते हैं हम मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से रेसिस्टेंस लेने के बाद रिजेक्शन आया, अगेन प्रीवियस डे रेसिस्टेंस लेने के बाद रिजेक्शन आया और फिर से देखो मार्केट यहां से रिकवर कर रहा है। ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है और यहां हम एक सपोर्ट जोन को भी मार करेंगे, ये भी एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अभी देखो मार्केट रेंज में फंसा हुआ है, जैसा कि प्रीवियस डे हमने देखा था एक रेंज बनाई हुई है।
अभी रेंज का ना तो ब्रेकडाउन किया है और ना ही ब्रेकआउट किया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स, मार्केट ने इस लेवल को अभी ब्रेकआउट नहीं किया है। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सपोर्ट लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ना तो अभी रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है और ना ही सपोर्ट को ब्रेकडाउन किया है, ठीक है। अभी बीच में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है वो समझते हैं। प्रोबेबिलिटी है मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लेने के बाद रिजेक्शन किया और यहाँ से रेसिस्टेंस लेने के बाद फिर से रिजेक्शन किया, 50% का रीटेस्ट किया है, 50% का जो लेवल है इसको यहाँ से रीटेस्ट किया। इसके बाद देखो प्राइस यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा रही है। सो प्रोबेबिलिटी है कि इस बार मार्केट इस रेसिस्टेंस को हो सकता है ब्रेकआउट करे, क्योंकि 50% के लेवल से मार्केट ने रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से बुलिशनेस शो कर रहा है। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें कैसे कंफर्मेशन लेना है वो समझना जरूरी है। तो ये आ गए हैं दोस्तों हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ध्यान से देखिएगा, आपको एक रेसिस्टेंस एरिया दिखाई देगा। ये एक माइनर सा रेसिस्टेंस है जिसको प्रीवियस टाइम बहुत ही अच्छे से रेसिस्टेंस लिया गया है। देखिए रेसिस्टेंस कितना अच्छा है, इस लेवल को रिजेक्शन आया है, रेसिस्टेंस से ही रिजेक्शन आया है, अगेन रेसिस्टेंस लेने के बाद देखो रिजेक्शन आया है, फिर से देखो प्रयास कर रहा है इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करने का। सो ट्रेडर्स यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक सेटअप बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे चार्ट को थोड़ा और मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से विजिबल हो पाए। देखिएगा यहाँ पे इस रेसिस्टेंस को प्राइस ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रही है। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। इसके बाद यहाँ से फिर से ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट ट्राई कर रही है। सो प्रोबेबिलिटी है ट्रेडर्स की इस बार इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करे। अगर ब्रेकआउट होता है तो ये जो मेजर वाला रेसिस्टेंस है इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हम अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम का रेसिस्टेंस मार करें तो कैसे करेंगे, देखो मैं आपको मार करके दिखाना चाहूंगा। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का रेसिस्टेंस इस तरीके से यहाँ पे हम मार करेंगे, ठीक है। लेवल यहाँ पे हम इसका चेक कर लेंगे, लेवल है 2334.733 एंड 2331.628 का। ये एक रेसिस्टेंस जैसा हमें दिखाई दे रहा है, तो काफी अच्छा सा ये एक रेसिस्टेंस जोन हो सकता है। लेकिन ये फर्स्ट वाला रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी है कि इस बार रेसिस्टेंस ये ब्रेकआउट करे प्राइस और रीटेस्ट करे, इसके बाद फिर ये सेकंड रेसिस्टेंस तक भी हमें देखने को मिल सकता है। तो काफी अच्छा फर्स्ट रेसिस्टेंस पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। देखना होगा इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करती है क्या मार्केट। अगर ब्रेकआउट करती है तो सेकंड रेसिस्टेंस हमने जो मार किया है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकंड दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक सपोर्ट जोन मार करते हैं तो ये भी एक सपोर्ट एरिया इस तरीके से निकल के आ रहा है यहाँ पे। ये तो दोस्तों हो गया एक रेसिस्टेंस लेवल, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये भी एक सपोर्ट लेवल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये सपोर्ट कैसे है, देखो इस लेवल को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, रेसिस्टेंस लिया है, सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, इंस्टेंट मार्केट ने वी शेप का रिकवरी किया है, ठीक है। तो ये सपोर्ट लिया, अगेन रेसिस्टेंस से अगर रिजेक्शन आता है तो हमें भूलना नहीं है, प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल से रिजेक्शन किया तो सपोर्ट के आसपास आया, तो हो सकता है अगर फिर से रिजेक्शन आता है तो ये सपोर्ट भी यहाँ पे मार्केट ले सकती है। लेवल है 2316.322 एंड 2313.707 का, ये एक सपोर्ट जोन हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करके आज के दिन भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गोल्ड एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा रेंज का ब्रेकआउट करती है प्राइस या फिर ब्रेकडाउन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। यहाँ पे जो हमने एनालाइज किया है इस इमेज को जस्ट अभी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करने वाला हूँ ताकि आप भी इस तरीके से अपना खुद से सपोर्ट रेसिस्टेंस मार कर पाएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।